Which one of the following alcohol? Which one of the following alcohols will give SN2 reaction with HBr? Which one of the following bus quiet? SN alcohol will give SN2 reaction with HBr. The options are yes. You have to react the alcohol with HBr, means you have to get halo alkenes. ठीक है? CH2 साइड पे ही लगा हुआ है. क्यों? सब में ही लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर CH2OH. तो उन ग्रुप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. हाय आप बता दो सी क्यों. क्षितिज इज राइट, बी ऑप्शन. द ऑप्शन इज बेटे बी सी. इन SN2 हमने कभी भी स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं देखना होता. SN1 में हमने स्टेबल कार्बोकेटाइन देखना है. NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो कार्बोकेटाइन को इतना स्टेबल नहीं कर रहा. SN2 में हमारा ऑर्डर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होता है. जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. जो मिथाइल ग्रुप है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. सिर्फ NO2 ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. तो अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज सीन इन SN1. SN2 ये चीजें नहीं देखी जाती. SN2 ने हमें कार्बन को वेकेंट करना है. मीन्स अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सके. KI इन एसीटोन कौन सी रिएक्शन है? KI इन एसीटोन कब लेते हो? KI इन एसीटोन फिंकलस्टीन. सो दिस इज KI इन एसीटोन अंडरगोज SN2 रिएक्शन विद ABCD. ABCD कंपाउंड है उनके साथ आप SN2 रिएक्शन करवा रहे हो. ये दे आर आस्किंग यू द रेट ऑफ द रिएक्शन वेरी एज. ए इज CH3Cl, बी इज CH3CH3, then CH2, you have to arrange in the increasing order or decreasing, whatever you want. Arrange in the decreasing order.
Yes. बेटे आपने सिंगल स्ट्रीम रिएक्शन करवानी है. सिंगल स्ट्रीम में यू विल डू हैलोजन एक्सचेंज. कोई भी ये रिएक्शन है इसमें सब्स्टिट्यूशन ही हो रही है, मतलब क्लोरीन जा रही है और आयोडीन ने आना है, ठीक है. और ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगी. तो ये कह रहे हैं कि इसका ऑर्डर बताओ. अच्छा डन. और कोई किसी ने बस हो गया. SN2 में बेटे द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ही चाहिए आपको. कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चाहिए. तो डी देखो, ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है. इट इज माइनस आई इफेक्ट, खींचता है ना ये. तो सी एच टू पे पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा. तो सबसे पहले डी आएगा. फिर उसके बाद ए ग्रुप देखो, ए अगर इससे सीएल एक ही लगा हुआ है ना, इसको कोई देने वाला है ना लेने वाला, कुछ भी नहीं है. तो सेकंड नंबर पे ए आ जाएगा. सी जिस कार्बन के साथ दूसरी कार्बन लगी हुई है, दैट इज एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड, दैट इज एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड. सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच है, देखो एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचती है. मगर साथ ही अगर देखा जाए, अगर हम सी एल निकाल दें तो थोड़ा सा इसका प्लस आर इफेक्ट भी लगेगा. जब हम सी एल निकाल दें तब, अभी हम ये सी एल निकाल नहीं रहे हैं. सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एक एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड है जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन बांध के रखती है, इसलिए वो दूसरे से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगी, ठीक है. तो सी ऑप्शन फिर आएगी. फिर लास्ट में आएगी बी, क्योंकि बी में दो दो प्लस साई वाले लगे हुए हैं जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे. हमें कार्बोकेटाइन बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि SN2 करवानी है. हमने ये देखना है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कौन खींच के बनाएगा, ठीक है. इस केस में कार्बन से ये खींच रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबसे ज्यादा, ठीक. तो ये पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा. उसके बाद अगर देखा जाए तो इसको पास कोई लेने या देने वाला नहीं है, तो बैक साइड अटैक आराम से हो सकता है. SN2 करवाना है आपने, बैक साइड अटैक आराम से हो सकता है. यहाँ पे तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ बैक साइड अटैक आराम से हो सकता है. फिर उसके बाद ये ऑप्शन हमने इससे पहले क्यों नहीं रखी, क्योंकि डबल बॉन्ड आने के कारण ये पाई बॉन्ड यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते, समझ आ रही है. वो कब, जब सीएल निकले. मगर अभी हम सीएल निकाल नहीं रहे, तो हम एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन का देखेंगे कि ये एसपी टू है. फिर लास्ट में आ जाता है बेटे दिस, क्योंकि इसमें सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, तो ये SN2 की तरफ नहीं SN1 की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी. Which of the following will give least substituted alkene as a major product? Which of the following paper में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, प्री बोर्ड में भी ऐसे आने हैं.
आप अपने आप को चेंज कर लो, मैं फिर कह रही हूँ, दिस इज नॉट द टाइम नाउ। आपकी पैर का साइज हमसे ज्यादा है, समझ रहे हो ना, ये छोटे होते ही ज्ञान दिया जाता है कि बच्चे बड़े हो जाए ना तो उनको समझाया जाता है, मारा पीटा नहीं जाता। नहीं समझ सकते तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या देख रहे हो अपना फ्यूचर। नेक्स्ट बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। दीज आर द ऑप्शन, क्यों लास्ट में क्यों नहीं आ सकते? नहीं, वेट वेट वेट, लास्ट में एल्कीन की सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं हो गया। देखो अगर यहां से क्लोरीन जाए बेटे तो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? यहां पे, यहां से क्लोरीन जाए तो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? तो ये डबल बॉन्ड है, तो इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप। यहां से जाए तो यहां बड़ी वाली सब्स्टिट्यूशन है और ये वाली है, ठीक है, मैंने एक CH3 मिस किया होगा। इसमें बेटे H यहां से निकल ही नहीं सकता, मजा रही है, इसमें एच ही नहीं है बीटा पोजीशन पे, थर्ड में कुछ गलती करी होगी, नहीं तो थर्ड सेम हो जाते हैं।
फर्स्ट थर्ड में बेटे, थर्ड में देखा जाए सी सिक्स एच फाइव के साथ ही सी एच टू लगा हुआ है। ध्यान से ये केस स्टडी करो, यहाँ पे सी सिक्स एच फाइव सी एच फिर सी एच टू लगा हुआ है। देन अगर अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं यहाँ से एच पॉजिटिव निकालती हूँ ना, तो ये बेंजाइल स्टेबल बनता है, ये एच पॉजिटिव यहाँ से नहीं निकल सकता। इस केस में हॉफमैन रूल लगेगा, यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, फिर लीस्ट वो बननी चाहिए। अगर देखा जाए, अगर हम यहां से सी एल निकालें, ये खींच थोड़ी ना रहा, सो बेटे वही रोको, क्योंकि आपकी ये भी लिस्ट बन सकती है। आंसर दे आर गिविंग, दे आर गिविंग दिस वन, बट अगर देखा जाए सी सिक्स एच फाइव सी एच टू के साथ लगा हुआ है। Cl अगर यहां से निकल जाए तो ये इतना इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो एनी बेंजाइल है, बेंजाइल है। बेटे बोथ पॉसिबिलिटी आर देयर ए एंड सी, क्योंकि ये सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे भी सी एच थ्री है, यहाँ पे भी बेंजाइल है, सेम बने। दे आर गिविंग वन ऑप्शन पर दो बनती है। फॉर द रिएक्शन आर सी एल प्लस एन ए आई means they are saying RCl NaI कौन सी होती है, Finkelstein, the alkyl halide which will give maximum yield, the alkyl halide which will give maximum yield during Finkelstein reaction, for the reaction RCl plus NaI give you RI plus NaCl, you have to tell us ki kaun sa sabse zyada fast jayega। See again, again he is the same, यस, एल्काइल हैलाइड में किस किस सब तो सोच लेना विद रीजन। विद रीजन अकेले सी सिक्स एच फाइव भी दिख रहा है मुझे लास्ट में, ध्यान से एक बारी देख लो सबको, सी सिक्स एच फाइव भी नजर आ रहा है, वो भी कुछ करता ही है, इन्होंने लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। कार्बो के टाइम की बात है,
हो गया बेटे, दिस इज अकॉर्डिंग टू एसएन टू रिएक्शन, ये एसएन टू जाती है, हमने अभी पीछे कहा ना, जब के आई इन एसी टू अंडर गो एसएन टू रिएक्शन बोला था, यही दोबारा हम बोल रहे हैं फिंकल स्टीन, तो एसएन टू के अकॉर्डेंस से देखो आप, आयोडीन एक बेटर लिविंग ग्रुप है, या पढ़ते हो ना, क्लोरीन इतना बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, तो क्लोरीन ये नहीं हो सकता कि पहले निकल जाए और आयोडीन आके अटैक करे, ये एक अपनी नॉलेज होती है, सब कुछ बुक्स नहीं लिखती, एक लाइन भी आप पढ़ते हो, समझ आ गई कि आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, क्लोरीन इज नॉट अ बेटर लिविंग ग्रुप, जब वो लिव ही नहीं कर सकता, जब हम एसएन वन और एसएन टू देखें तो हम ऑर्डर क्या बोलेंगे, आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव एंड एफ नेगेटिव, सी एल लगा हुआ है वो निकलेगा नहीं जब आई नेगेटिव ने अटैक करना, अब लिखा हुआ, अब ये चीज लिखी हुई है, लिखी हुई ना बेटर ग्रुप कौन है भाई, इतना कुछ ही लिखा होता। हाँ जी, अब ऑप्शन बताओ बी, क्योंकि बेटे फर्स्ट सी एंड डी तीनों में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेंगे, इसमें कार्बोकेटाइन टर्शरी के कारण स्टेबल है, इसके कारण सेकेंडरी के कारण स्टेबल हो जाएगा, उसके कारण एक बेंजाइल है, एक फिनाइल है और दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये सारे कार्बोकेटाइन स्टेबल हैं, समझ आ रही है, और जो बीच वाला ये है इसके ऊपर बैक साइड अटैक हो सकता है, ठीक, याद रखना बेटे फिंकलस्टीन एसएन टू, विदाउट ऑप्शन वन प्रोपाइल ब्रोमाइड, यू आर हैविंग वन प्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉलिक KOH, इथेनॉलिक KOH, व्हाट विल बी द इथेनॉलिक KOH, बारी बारी आप बोल रही हूं, एक्वस KOH नहीं, इथेनॉलिक, थिंक, मैं फिर मोहक बोल रही हूं, इथेनॉलिक KOH, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, वन ब्रोमो प्रोपेन, सो मच सिंपल रिएक्शन, यस प्रोपीन बन जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, अब एल्कोली KOH है, इससे इजी रिएक्शन कोई पूछ ही नहीं सकता आपको, इतनी बारी बोला मैंने इथेनॉलिक, सोचो एलिमिनेशन, KOH एक्वस हो तो सब्स्टिट्यूशन, इथेनॉल में KOH डाला हो तो एलिमिनेशन, तो आपकी क्या बनती है एल्कीन, और इसमें कौन सी एल्कीन बनेगी, प्रोपीन, सो मच सिंपल रिएक्शन, अब ये भी बहुत इजी रिएक्शन है, ध्यान से सुनो, क्लोरो बेंजीन पहले बना लो, रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, क्या बनेगा, क्लोरो बेंजीन राइट डाउन, रिएक्ट विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस में होता है, किस रिएजेंट में होता है, अब बोलो दोबारा रिएक्शन सुनो, अब बनाओ क्लोरो बेंजीन, यस डम्बो, देखा मामी भी की थी अगला डम्बो ही, पवन
So listen to me carefully. Chlorobenzene react with magnesium in dry ether to give compound A, which further react with ethanol. क्यों एल्गिन बना? अगर ये क्वेश्चन आपसे अटेंड नहीं हुआ ना, तो कल तनवीर ने तो एक्स्ट्रा क्लास लगाई है. जिसने लगाई है सोचो. अब मैं आपको हिंट देती हूँ. क्लोरोबेंजीन को आपने मैग्नीशियम से रिएक्ट किया, क्या बना? आपको क्या बना? कि नार्ड रिएजेंट बन गया. बना सबका. कि नार्ड रिएजेंट को कैसी कंडीशंस देनी चाहिए? कि नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन देनी चाहिए. क्यों? क्यों देनी चाहिए? अगर आपको गिनार्ड रिएजेंट को एक भी हाइड्रोजन दे तो क्या बन जाता है? एल्केन्स बन जाती हैं. तो अगर आप इस केस में गिनार्ड रिएजेंट ये क्लोरोबेंजीन है बेटे. This is magnesium. So it will be R. This is R for you. This is Mg. This is X for you. They are saying further react with ethanol. Further react with ethanol. Ethanol क्या है? एक protic solvent. Ethanol क्या देगा? Proton. चाहे इथेनॉल हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे वाटर हो, ये सब प्रोटिक सॉल्वेंट है. ये सब क्या बनाएंगे? ये बॉन्ड टूट जाएगा. यहाँ पे क्या बनेगा आपके? ये हाइड्रोजन आ जाएगा. ये हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा तो ये क्या बनेगा? बेंजीन. योर आंसर विल बी बेंजीन. दिस वॉज सो सिंपल रिएक्शन. थोड़ा सा दिमाग चलाना है पढ़ने. आपको कल भी ये बहुत बारी मैंने समझा रखा है. गिनार्ड रिएजेंट हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन यूज करी जाती है. एक एच मिलने की देरी है, इससे सब कुछ रिमूव हो जाता है, ये हाइड्रोकार्बन बन जाती है. अब इस केस में हाइड्रोकार्बन क्या है? बेंजीन. एल्कोहलिक AgNO3. Alcoholic AgNO3 doesn't give precipitate with. First, C6H5, CH2Cl. Okay.